नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है ग्रामीण बैंक में जो है वो भर्ती निकली है, जिसकी सैलरी 15,000 है। लास्ट डेट जो है 24 फरवरी 2020 है। तो इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो देने वाला हूँ कि हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में जो है ग्रामीण बैंक में जो है भर्ती निकली है और कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो पर एंड तक बन रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया वो साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि अब तक मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि उन तक भी ये नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए वीडियो को जो शुरू करते हैं। मैंने इसकी जो है वो PDF फाइल जो है डाउनलोड कर ली है, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां पर भर्ती निकली है और कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक जो है वो भर्ती निकली, वहां प्रधान कार्यालय जेल रोड मंडी में है, इसका 17501। तो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास ट्रस्ट प्रधान कार्यालय मंडी अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित वित्तीय साक्षरता केंद्र में पर्षदाता FLC के पद के लिए योग्य व्यक्ति से आवेदन आमंत्रित करता है। तो प्रधान कार्यालय मंडी में जो है FLC परामर्शदाता के पद के लिए जो है भर्ती निकली है। परामर्शदाता वित्तीय साक्षरता केंद्र चंबा, जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश। पदों की संख्या रहेगी 1, जिसमें पात्रता अन्य जरूरतें जो है सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी चाहिए, न्यूनतम स्केल JM 1 से सेवानिवृत्त, ग्रामीण शाखा एवं ऋण विभाग में काम करने का अनुभव होना चाहिए, अधिकतम उम्र जो है 62 वर्ष, स्वास्थ्य शरीर चाहिए, जिसकी सैलरी जो होनी होगी 15,000 तक होगी। और कृपया नोट करें कि उपरोक्त पद पूर्ण रूप से अनुबंध के आधार पर भरा जाएगा एवं नियुक्ति व्यक्ति को कार्य विस्तार उनके कार्य की समीक्षा के आधार पर निश्चित अंतराल पर दी जाएगी। नियुक्ति ट्रस्ट के नियम व शर्तों के आधार पर की जाएगी। उपरोक्त पद के लिए आवेदन हमारी वेबसाइट hpgp.in पर जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं से प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से आवेदन पत्र हमारे कार्यालय मंडी में दिनांक 24 फरवरी 2020 तक पहुंच जाना चाहिए। प्रारंभिक जांच के बाद उपयोग पाए गए आवेदकों को व्यक्तिगत इंटरव्यू के लिए हमारे ट्रस्ट कार्यालय में बुलाया जाएगा। साक्षात्कार को की दिनांक पृथक से सूचित की जाएगी। कृपया नोट करें कि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास ट्रस्ट बिना किसी पूर्व सूचना के इस विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार रखता है। 24/1/2020 को यह जारी हुई थी, तो 24 फरवरी 2020 इसकी लास्ट डेट रहेगी। जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है वो जो है अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी नोटिफिकेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।